एमपी में ड्यूटी के दौरान टीआई वीरगति को प्राप्त हुए और अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने जाबाजी दिखाई थी, खबर जिसने भी सुनी हर कोई दुखी हो गया। और इस खबर को सुनने के बाद सबके जहन में यही था कि ड्यूटी के दौरान भी अपनी जाबाजी और अपने कर्तव्य निष्ठा को टीआई राजाराम वास्कले दिखाते रहे। दरअसल निमावर के टीआई थे राजाराम वास्कले, जो जामनेर नदी में उनको सूचना मिली थी। मध्य प्रदेश में दोनों बारिश है, काफ़ी तेज़ी से बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, और ऐसे ही जामनेर नदी में सूचना मिली थी उनको कि यहाँ पर एक शव है, उस शव का रेस्क्यू करने के लिए वो पहुँचे थे। हालांकि उनके साथ रेस्क्यू करने के लिए बाद में पहुँचे गोताखोर, होमगार्ड और तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन टीआई जो है पहले कोशिश में लग गए इस तरीके से कि जो शव है उसको बाहर लाया जा सके, रेस्क्यू कर दिया जाए। इसलिए वो खुद ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था और पूरे के पूरे तरीके से वो उसी रेस्क्यू में जुट गए थे। लेकिन लहर ऐसी आई, भंवर ऐसी आई कि वो खुद पानी में डूब गए। पानी में डूबने के बाद जो स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी थे, तुरंत उनको बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया। हरदा अस्पताल में उनका इलाज किया गया शुरू, लेकिन दुखद तौर पर उनकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे के पूरे हादसे पर जो मंत्री हैं कमल पटेल, वो भी अस्पताल पहुंचे थे देखने के लिए, उनका हाल जानने के लिए, लेकिन दुखद तौर पर समाचार मिला कि टीआई नहीं रहे। कमल पटेल भी सांत्वना जता रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे नेमावर के थाना प्रभारी राजाराम वास्कले यंग थे, युवा थे, और एक डेड बॉडी जामनेर नदी में भौरी में फंसी हुई थी। प्रयास किया, नहीं निकल रही थी, तो ये उसको निकालने में भौरी में फंसने से और पानी के अंदर डूब गए। बहुत दुखद घटना है, हम सब स्तब्ध हैं, लेकिन एक कर्तव्यपरायण अधिकारी हमने खो दिया है। हम ऐसे कर्तव्यपरायण अधिकारी, दमदार अधिकारी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और सरकार उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से भी मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, दुख व्यक्त करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है, असहनीय है, लेकिन ईश्वर के आगे हम सब नतमस्तक। कमल पटेल भी बता रहे हैं किस तरीके से कि कोशिश की गई और लेकिन उसके बावजूद भी ये दुखद समाचार मिला कि जो टीआई है राजाराम वास्कले, उनको बचाया नहीं जा सका। राजाराम वास्कले युवा टीआई और उनका परिवार, तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी, तो बच्चे हैं उनके, और बड़ी दुखद खबर इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मतलब उन्होंने कोशिश की थी और ड्यूटी के दौरान अपने फर्ज को निभाया, आखिरी दम तक वो कोशिश करते रहे कि नहीं नहीं रेस्क्यू कर लिया जाए, शव को बाहर निकाल लिया जाए, हालांकि लेकिन नियति को मंजूर नहीं था। उस तरीके से वहाँ पर भंवर में वो खुद ही फंस गया। कोशिश भी की गई, यहाँ पे स्थानीय लोगों की तरफ से जनप्रतिनिधि भी पहुँचे थे मौके पर, हरदा अस्पताल ले जाया गया तुरंत, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं बचा सके। लेकिन आपको बता दूं कि अपने आप में जिसने भी ये खबर सुनी वो खबर सुनकर दुखी हो गया और टीआई के फर्ज निभाने की इस जज्बे की हर तरफ चर्चा है। देवास से शकील खान के साथ हरदा से लोमेश कौर ने आप तक एक बार पहुंचाई, आप देखते रहे अभी तक।